उत्तराखंड के चमोली में बुधवार को करंट लगने से हुए दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया। चमोली कस्बे में बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोहे के ढांचे में करंट फैलने से पल भर में 16 व्यक्तियों की जान चली गई। मृतकों में एक दारोगा और 3 होमगार्ड भी हैं, जबकि 3 मृतक एक ही परिवार के हैं। चमोली हादसे में 11 अन्य लोग झुलसे हादसे में 11 अन्य लोग झुलस गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें से 6 का एम्स ऋषिकेश और 5 का जिला चिकित्सालय गोपेश्वर और उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में इलाज चल रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट बुधवार को सुबह 3 फेज को जोड़ा गया, जिसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट दौड़ गया। ट्रांसफार्मर से लेकर मीटर तक कहीं LTE और ST के तार नहीं टूटे हैं। मीटर के बाद तारों में करंट दौड़ा। ADG कानून व्यवस्था वी मुगरेश्वर ने बताया कि परिसर के रेलिंग में करंट फैला था। पूरा प्लांट लोहे की स्क्रिल से बना हुआ था, जिससे हादसा बड़ा हो गया। वहीं उत्तराखंड में हुए चमोली करंट हादसे में सियासत गर्मा गई है। देहरादून के एसले हॉल चौक पर कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया है और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी का कहना है कि सरकार समयबद्धता के साथ इस पूरे मामले की जांच कराए, इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। तो वहीं BJP ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस को ऐसे दुखद समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये समय है उनके परिवारों के साथ खड़े होने का, न कि राजनीति करने का, और यही वजह है कि कांग्रेस की ऐसी राजनीति की वजह से लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है। जांच एक तो टाइम बाउंड होनी चाहिए, वो बताएं कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, तो जांचें होती रह रही हैं और उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी ये मांग है, इस जांच को टाइम बाउंड करें, भले वो 1 महीने का समय ले, और जो लोग लापरवाही में शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये एक मृतक की बात नहीं है, 17 लोग हमारे साथी जो लोग हैं उसमें एक हमारे पुलिस साथी की भी मृत्यु हुई है। 17 लोग ही जाने जानी, कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ साथ जो मृतक लोग जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनसे 50 लाख की उन्हें मुआवजा के रूप में राशि मिलनी चाहिए। देखिए, जो चमोली की घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, और हम सभी पूरे प्रदेशवासी इस घटना को लेकर व्यथित भी हैं, शोकाकुल हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उसकी चिंता भी कर रहे हैं। कल से वो लगातार हॉस्पिटल में, एम्स में जो घायल थे उनको एयरलिफ्ट करने के साथ साथ, और जो मुआवजे की राशि थी उसकी घोषणा भी उन्होंने करी है। कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति के अवसर ढूंढ रही है, और उसमें राजनीति करने का उनका हमेशा यही रहता है कि कोई भी ऐसी घटना हो तो उसको उनको राजनीति करनी है, आंदोलन करना है, विरोध करना है। लेकिन सवाल ये है कि जहां एक तरफ लोगों की सहूलियत के लिए तमाम तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां काम करने वाले जो उस प्रोजेक्ट में लोग लगे हुए हैं उनकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। आखिर 16 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी थी?